ॐ विभ्राट् बृहत् पिबतु सोम्यं मधु आयु दधत् यज्ञपतौ अविहृतम् वातजूतो यो अभिरच्छति आत्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति। मंत्रार्थ: बृहत् वृद्धिशील वृद्धिकर्ता, विभ्राट विशेष प्रकाशमान, यज्ञपतौ दान संगति के अधिपति में, अविहृतम अविहृत जो विहृत न हो, सौम्यम सौम्य, मधु मधु पीवतु पान करे, आयु आयु दधत धारण करे, जो वातजूतो वातजूत आत्मना आत्मा द्वारा, अविरक्षति रक्षा करता है, पुरुधा बहुत प्रकार से प्रजा का पुपोष पोषण किया, विरजति विशेष रूप से प्रकाशित होता है। भावार्थ: बृहत विभ्राट अर्थात बड़ा और विशेष रूप से प्रकाशित परमात्मा ही है, उसके उपासकों को भी इस स्वरूप को धारण करना होता है, अपने भावों विचारों को बड़ा और प्रकाशमान बनाना होता है। जैसे परमात्मा आत्मा से प्रजा का पोषण विविध प्रकार से करता है, उसी प्रकार उपासक भी करते हैं, तो वे भी विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। विशेष अविहृत का अर्थ है जो विहृत ना हो, विहृत शब्द में विउपसर्ग है, हृत में हृ धातु सर्वाधिक स्पष्ट है, इस प्रकार हृत को हृत का वैदिक रूप माना जाना चाहिए। यदि यह हृत न होकर अन्य शब्द माना जाए तो इसका अर्थ हरण करना धातु के अनुसार ही होना चाहिए, जिसका उपसर्ग के साथ हृ धातु का अर्थ क्रीड़ा करना खेलना भी होता है, अतः अ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हुआ खेल न करना, हृ धातु का अर्थ निवास करना आच्छादन करना कुटिलता करना है, इस प्रकार अविहृत का अर्थ निवासहीन अकुटिल होना। यजन जैसे पवित्र कार्य के पालन रक्षण में मधु का पान करना तो स्वाभाविक है, माधुर्य तो यजन का स्वाभाविक परिणाम है, यह ध्यान रखना होगा कि यह कि वह मधु सौम्य हो तथा यजन के पालन रक्षण में खेल न हो, पूरी गंभीरता तथा दायित्व बोध के साथ यजन का पालन संरक्षण करें। धातुवादी निरुक्त: विभ्राट भ्राज प्रकाशित होना, बृहत बृह वृद्धि होना, पिबतु पीना, सौम्यम सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना खींचना, सु प्रेरणा करना, मधु मत हर्षित होना तृप्त करना, आयु आ उपसर्ग है, ई आय गति करना, यव समाप्त करना उपसंहार करना, यु धातु मिश्रित करना पृथक पृथक करना, आय शब्द करना शासन करना, दध धारण करना पालन करना देना, यज्ञ पतव यज्ञ देव पूजा करना देना संगति करना, पत जाना ऐश्वर्य होना पराक्रम होना, अविहृतम अउपसर्ग वि उपसर्ग हृ ले जाना पहुंचाना ग्रहण करना, हव निवास करना आच्छादन करना कुटिलता करना, वात जूतो वात सुखी होना सेवा करना जाना, जुत शब्द करना प्रकाशित होना, यो सर्वनाम है अभी सर्वनाम, रक्षति रक्षण करना पालन करना, आत्मना सतत गमन करना निरंतर चलना, प्रजाः प्रजा उपसर्ग प्राउपसर्ग, जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, पुपोष पुष पालन करना पोषण करना, पुरुधा पुर अव्यय धात धारण करना पोषण करना रक्षण करना, वि उपसर्ग रजति राज प्रकाशित होना शोभित होना। ओम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 30 ओम विभ्राट बृहत् पिबति सौम्यं मधु आयु दधति यज्ञपतौ अभिहृतम् वाजयूतो यो अभिरक्षति आत्मना प्रजा कुपोष पुरुधा विराजति। विभ्राट विभ्राट विशेष प्रकाशमान, ये भी उपसर्ग है, राज धातु है, राज प्रकाशित होना, यह
जा काटा हुआ है। भाषा शास्त्र व्याकरण भी कह लें, इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे सम्राट ही शब्द है, सम्राट बोलते हैं, सम्राट भी कहीं कहीं होता है। विभ्राट विशेष प्रकाशमान, बृहत बड़ा सब जानते हैं, धातु है प्रतिगुना पढ़ना। पिबत पिए, पीना पान करना, पिब धातु है, पिब धातु का पीना पान करना बहुत प्रचलित है, सब जानते हैं। विभ्राट बृहत पिबत विशेष प्रकाशमान है, बड़ा है, पिबत वह पिए। क्या सौम्यम मधु, सोम्य सोम के योग्य, मधु मधुरता, जो सोम के योग्य है उस मधुरता को पिए, उसका पान करे। ध्यान दें, यदि इतना ध्यान न दें तो सहजता से लोग अनर्थ कर देते हैं, कह देंगे कि मधु सोम का पान कर, मधुर सोम का पान कर। इतना देखना पड़ेगा, सोम्यम मधु, सोम्य है सोम के योग। जिसे गम में जाने के योग, कार्य करने के योग जो कुछ दिया जाए उसके योग के अर्थ में या प्रत्यय आता है। सोम्य का अर्थ हुआ सोम के योग्य। इसी को लौकिक भाषा में हम लोग सौम्य भी कहते हैं, वे बहुत सौम्य है। ये ध्वनि साम्य है, धातु साम्य है, तो अर्थ साम्य भी बहुत कुछ होना ही चाहिए। सोम सोम में और उसी से सौम में बन जाएगा। तो सोम के योग्य मधु का पान करें। सोम हम सब जानते हैं, सोम सु धातु है, सुवैश्वर्य सुप्रसुवे, और सु प्रेरणे धातु है, अर्थात सोम का अर्थ हुआ ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा उसके योग्य, और इन गुणों के साथ सोम परमेश्वर का गुणवाची नाम भी है। तो कह सकते हैं सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे गुणों से युक्त परमेश्वर के योग्य मधुरता का पान करें। हम सबके जीवन में माधुर्य हो, मधुरता हो, हम सब चाहते हैं, होना चाहिए, हम सबको मधुरता का पान करना चाहिए। ध्यान रखें मधुरता क्षणिक न हो, कि समय तो हमको बहुत मधुर मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी ध्यान रखें कि वह अंततः सोम के योग्य हो। सोम अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त परमेश्वर के योग्य हो। परमेश्वर भावार्थ है, शब्दार्थ है सोम के योग्य, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के योग्य हो। कोई परमेश्वर भावार्थ न करना चाहे तो न करे, आपको पूरी छूट है। सहज भाव से जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमात्मा ही है, आध्यात्मिक अर्थ ही मुख्य है, अतः ऐसे गुणवाची नाम हम परमेश्वर के लिए ही मांगते हैं। तो उस दृश्य हम कह रहे हैं सोम्य अर्थात सोम गुण वाले परमेश्वर के योग्य हो। परमेश्वर ना भी कहें तो कह लें सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के योग्य हो, ऐसी मधुरता का पान करें, बिल्कुल ठीक है। आयु दधत
आयु को धारण करता है। आयु शब्द किन धातुओं से कैसे बनता है धातुअनिरुक्त में लिखा हुआ है, कोमल जी ने पढ़ा भी, पुस्तक में है, आप भी पढ़ सकते हैं। दधत दादत धातु का अर्थ धारण करना, देना भी है। आयु दधत, आयु धारण करता है, आयु हमें देता है, और हमें आयु देने वाला तो परमेश्वर ही है, और किसे कहेंगे। यज्ञ पतो अब विहिरुतम, यज्ञ पतो यजन के अधिपति, यजन यज्ञ धातु है, देव पूजा संगति दान करना। जो दिव्य जन है, जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य प्रकृति है, दिव्य जन विद्वान समाज के सज्जन लोग हैं, उन देव जनों का पूजा अर्थात स्वागत सत्कार सम्मान करना, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करना, संगति संगठन करना, संगठन के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, दान जो कुछ ईश्वर ने हमें सामर्थ्य प्रदान की है, धन है, गुण है, समय है, विद्या है, वो हम दूसरों को भी दें, इसी को यजन कहते हैं। तो इस यजन के जो अधिपति हैं यज्ञ पतो अभिहृतम, आ नहीं भी उपसर्ग, ये भी है, अभी उपसर्ग और भी उपसर्ग, दो दो उपसर्ग हैं। आ का अर्थ निषेध है, बी का अर्थ दोनों हो जाता है, विशेष है, विरुद्ध है, विपरीत है। हृतम, अब हृतम में ही धातु है हरण करना, ले जाना, और फ्रे धातु है निवास करना, आच्छादन करना, कुटिलता करना। जो अनिवासी हैं, निवासहीन हैं, जो कुटिल हैं, आ है तो अकुटिल हैं, जो निवासहीन हैं या कुटिल हैं, अर्थात कह लीजिए निर्धन हैं, सीधे साधे सज्जन लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो यजनपति हैं वे आयु का दान करें, अर्थात उनके जीवन यापन की व्यवस्था करें, उनके आयु उनके जीवन का संरक्षण हो सके। तो ये करेगा कौन, करता कौन है, विभ्राट बृहत, जो विशेष प्रकाशमान है, जो बड़े लोग हैं, वे सोम मधु का पान करें, और ऐसे निवासहीन अकुटिल लोगों के लिए यजन के अधिपति होकर आयु का दान करें, अर्थात जीवन यापन की व्यवस्था करें। अब आयु का दान करें शाब्दिक अर्थ है, जीवन यापन की व्यवस्था करें, ये हम उसका भावार्थ कर रहे हैं, तो आप इससे असहमत हो सकते हैं, आप कोई और भावार्थ कर सकते हैं। शब्दार्थ है आयु का दान करें, यह बिल्कुल ठीक है, इसी का आपको भावार्थ करना है। जैसे हमने कहा आयु का दान करें अर्थात उनके जीवन यापन की व्यवस्था करें, उनको आयु सुरक्षित संरक्षित रह सके, स्वास्थ्य सेवाएं भी इसी में है, कोई रोगी है, रोग पीड़ित है, तो उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, तो उसके जीवन की आयु की रक्षा होगी, आयुर्वेद इसीलिए है। तो आयु देने का भावार्थ हमने ये किया, उसके लिए जो आवश्यकता हो जीवन यापन के लिए, भोजन आदि या चिकित्सा आदि की व्यवस्था करें, ये भावार्थ हमने किया। आप चाहें तो इससे अच्छा कोई और भावार्थ कर सकते हैं, शब्दार्थ यही है आयु का दान करें। वात जूतो जो अभिरक्षत यात्मना, वात जूतो ये क्या है, वात जूत, वात और जूत दो शब्द इसमें हैं।
वात जूतों में वात धातु सुखी होना, सेवा करना, जाना जाना जहां लिखा होता है इसका अर्थ आप चलना गति करना समझे। जाना का अर्थ केवल यही नहीं है कि वात से दूर चला जाए, अलग हो जाए, उसका भाव चलना गति करना ही है। तो और जुत धातु का अर्थ है शब्द करना, प्रकाशित होना, शब्द और प्रकाश जुत धातु में, जुत धातु में शब्द और प्रकाश दोनों हैं और वात में सुखी होना, सेवा करना, गति करना है। तो वात जूतो का अर्थ हुआ सुख सेवा प्रगति से के साथ शब्द और प्रकाश से युक्त जो है उसे हम वात जूतो वात जूत कह रहे हैं। यो अर्थात जो अविरक्षति अविरक्षण करता है, रक्षण पालन करता है आत्मना आत्मा से अपने से। आत्मना का क्या अर्थ हुआ? आत्मा से, आत्मना का अर्थ अपने से। और आत्म शब्द बनता है अत सातत्य गमने धातु से, अर्थात इसका अर्थ हुआ सतत गति करने से। धातु जो शाब्दिक अर्थ हुआ सतत गति करने से, सतत गति करने वाले से, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। जो वात जूत है सुख सेवा गति शब्द प्रकाश से युक्त है वह अपने से आत्म तत्व से अविरक्षण करता है किसका? प्रजा कुपोष, प्रजा का पोषण करता है। उस धातु पोषण करना, कुपोष उसका क्रिया रूप है, पोषण किया या पोषण करता है। प्रजा यह प्रथमा बहुवचन भी है और द्वितीया, इसको हम कर्ता भी मान सकते हैं और कर्म भी कह सकते हैं। प्रजा ने पोषण किया और प्रजा को पोषित किया, दोनों ही अर्थ स्वीकारे हैं। पुरुधा बहुत धारण करने वाले ने, विराजति विशेष रूप से प्रकाशित होता है, राजदीप्त धातु है, राज धातु का अर्थ है प्रकाशित होना। तो पुरुधा जो बहुतों को धारण करता है वह विशेष प्रकाशमान होता है और वही प्रजा का पोषण करता है। पुनः एक बार स्मरण करें, मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ ही प्रधान है। तो इसका जो कर्ता है विभ्राट है, बृहत है, अभी वात जूतो जिसके लिए कहा गया, जो पुरुधा है बहुतों को धारण करने वाला है, ये सभी गुण हम परमेश्वर के लिए ही वर्णित कर रहे हैं और यह प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं कि जो समाज में हम आप उस परमेश्वर के उपासक हैं, हमको भी अपने जीवन में इन गुणों को धारण करने का यथा संभव प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम। मधु को एक बार पुनः समझा दीजिए। क्या मधु को? जी ये जो थी सोम्यम मधु, जी देखिए सोम्यम सोम के योग सोम्य है, ये या प्रत्यय लगता है उसके योग, योग शब्द भी ऐसे ही बना, योग के योग, योग से योग, जो योग कहा अभी ध्यान आ गया, देखिए योग से ही यो
सोम से सोम में बना, तो सोम के योग्य और सोम जो है सुधातु ऐश्वर्य होना, सु ऐश्वर्य सु प्रसवे ऐश्वर्य होना, सृजनशील होना, सृजन करना, और सुदीर्घ की धातु का सुधातु का प्रेरणा करना, तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त जो है वो सोम है, उसके योग्य जो है वो सोम्य है। और ऐसा मधु, मधु का सामान्य अर्थ हम लोग माधुर्य मधुरता मिठास मानते हैं, ये ठीक है, ये शब्द भी मद ही उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है आनंद होना, प्रसन्न होना। मद धातु ही मधु में भी है, हर्षित होना, तृप्त करना, आनंद होना, यही अर्थ मद धातु का है, मधु शब्द इसी से बनता है। तो सोम के योग जीवन जिए, परमेश्वर के योग उसका उसके दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन जिए। तो जो वास्तव में माधुर्य है, जीवन का माधुर्य है, आध्यात्मिक माधुर्य है, वह मधु हमें प्राप्त हो, उसका पान करें, यही भाव यहाँ पर कहा गया है। हमने प्रयास किया आप तक अपनी बात पहुंचाने का, और भी आप लोग चिंतन करें, हो सकता है और भी अच्छा और भी उत्तम मधु का पान आप करें। ओ जी गुरु जी, धारण करना पाठ तो आपने ठीक कर दिया, प्रश्न में थोड़ा सा सुनने समझने में कठिनाई हो रही है, हमी को है या अन्य लोगों को भी है, यदि इनका प्रश्न अन्य लोग ठीक सुन पा रहे हो तो हमें बता सकते। स्वामी जी पिबतु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, तो पिबतु के लिए कहा जी, पिबतु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। देखिए पिब धातु का अर्थ पीना है, और ये पिब धातु के क्रिया रूप हैं, पिबति भी होगा पिबतु भी होगा, पिबतु का अर्थ है पिए पान करें, पान करो पियो, ऐसा अर्थ भी होगा। तो इसके अतिरिक्त और इसमें क्या बताया जाए, भाई पीना पान करना ग्रहण करना जी, वही मैं कहने ही जा रहा था, पिबत का अर्थ सौबिक है, उसको पी लें पान करें तो धारण करें ग्रहण करें, यही भाव है, इस मधुरता का पान करें, उसको ग्रहण करें, उसको धारण करें, यही अर्थ है। ओम जी, धन्यवाद गुरु जी। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, अन्यथा फिर समापन करें। कोई प्रश्न नहीं है तो समापन करें। जी गुरु जी। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्, ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य ते पुरुषः सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को।
असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभरात्रि। ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, सभी साथियों।